हेलो एंड वेलकम टू फिज़िक्स सर्च। इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें, और इस वीडियो सीरीज़ के दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, जिसमें सारे वीडियोज़ के लिंक्स दिए गए हैं। A spherical conductor of radius 12 cm has a charge of 1.6 into 10 power minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere, just outside the sphere, at a point 18 cm from the center of the sphere? Solution के लिए सबसे पहले given data लिख लेते हैं, जो कि है रेडियस इक्वल्स 12 सेंटीमीटर, जिसको हम एसआई सिस्टम में लिख सकते हैं 0.12 मीटर। चार्ज इज़ गिवन एज 1.6 इनटू 10 पावर माइनस 7 कूलम। अब हमको पता है कि इनसाइड द स्फीयरिकल शेल इट इज़ ऑलवेज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। पार्ट बी के लिए जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फीयर, तो इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं ई इक्वल्स 1/4 pi epsilon naught q/r². इसके अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर लेते हैं तो वो बनेगा 9 × 10⁻⁹ × 1.6 × 10⁻⁷ / 0.12². इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको आंसर मिलेगा 10⁵ N/C। और पार्ट सी के लिए हमारा डिस्टेंस r बन जाएगा 18 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.18 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होगा 1/4 pi epsilon naught q/r². वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं 9 × 10⁹ × 1.6 × 10⁻⁷ / 0.18². इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको आंसर मिलेगा 4.44 × 10⁴ N/C। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 pF. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? Solution के लिए given data लिख लेते हैं, जो कि है given capacitance is 8 pF, जिसको हम लिख सकते हैं 8 × 10⁻¹² F. और जो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, जो इनिशियल कैपेसिटेंस है, उसके लिए हम लिख सकते हैं C₁ = ε₀ A/d, that is equal to 8 pF. जब एक डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को प्लेट्स के बीच में ऐड कर दिया जाएगा और जो डिस्टेंस है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो हम कैपेसिटेंस की वैल्यू लिख सकते हैं C₂ K₀ε₀A/d/2, दैट इज गोइंग टू गिव अस 6 × 2 × ε₀ A/d। वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, 6 × 2 becomes 12, और जो ε₀ A/d की वैल्यू है वो है 8 pF। सिंप्लीफाई करने पे हम आंसर मिलेगा 96 pF। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।